Hello students, good morning to all. Today's topic is soil erosion. Page number 7 में है ये topic. So, what is erosion? Erosion means होता है कटाव. Okay? और soil erosion means soil का कटाव, या में फिर ये कह सकते हैं soil का खराब होना. ठीक है? तो soil का खराब होना या फिर soil के reasons के कारण खराब होते हैं, ये हम इस topic में cover करेंगे. Land is adversely affected by erosion. Soil without vegetation is affected more by erosional process. ठीक है, हम जब भी हमारी soil erosion होता है, जब भी soil हमारी खराब होती है, तो उसका direct effect जाता है हमारे land पे और उसके कारण हमारी land भी खराब होती है. Okay? और अगर जो जिस soil में vegetation की थोड़ी सी भी कमी हो जाती है, वनस्पतियों की कमी हो जाती है, खाद की कमी हो जाती है, वो soil तो और भी ज़्यादा खराब होती है at the erosional process. जब उसके खराब होने की process होती है, तब वो और भी ज़्यादा खराब होने लगती है because of lack of vegetation in it. Okay, fertility of soil of India is decreasing every year due to rapid erosion. Soil erosion is a serious problem for our country. Okay, क्या बता रहे हैं कि जो हमारी इंडिया की जो फर्टिलिटी लेवल है, जो उपजाऊ लेवल है, ठीक है, फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वो डे बाय डे हर साल कम होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन, क्योंकि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के लिए. ठीक है, सॉइल इरोजन नॉट ओनली अफेक्ट ऑफ लैंड बट ऑल्सो द ह्यूमन बींग एज इट रिड्यूस द प्रोडक्शन. अब सॉइल इरोजन सिर्फ और सिर्फ लैंड को ही अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ह्यूमन बींग की लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज इससे हमारा प्रोडक्शन कम होता जा रहा है. ठीक है, और क्या क्या ये हो गया मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन. अब क्या क्या किन किन कारण से, क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कॉजेस हो सकते हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन हो रहा है. फर्स्ट वन इज डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवरग्रेजिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, विंड इरोजन, नॉन साइंटिफिक मैथड ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, फर्स्ट है डिफॉरेस्ट्रेशन. डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, द लार्ज अमाउंट ऑफ कटिंग डाउन द प्लांट्स. हम प्लांट्स या ट्रीज, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है सॉइल इरोजन का, वो है डिफॉरेस्ट्रेशन. बिकॉज ऑफ उसके कारण बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब प्लांट्स कटते जाते हैं, तब उसके कारण हमारी सॉइल प्रॉपर उपजाऊ नहीं बन पाती, फर्टिलाइज नहीं हो पाती, जिसके कारण से ही सॉइल इरोजन होता है. ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा छटाई होना, है ना, छटाई तो आप समझते होंगे, ग्रेज करना उसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया है, इसी के कारण हमारा सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है. शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है, अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब है बार बार थोड़े थोड़े लैंड को यूज़ करना और फिर उसी पर्टिकुलर लैंड को किसी और चीज़ के लिए कल्टिवेट करना, है ना, ये होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन. तो इसके कारण भी एक रीज़न हो सकता है कि हमारे सॉइल इरोजन्स होते हैं. विंड इरोजन, क्योंकि हमारे यहाँ पे विंड के प्रॉपर वेलोसिटी नहीं मेज़र कर पाते हैं, है ना, प्रॉपर टेक्निक्स नहीं यूज़ कर पाते, जिसके कारण से विंड इरोजन होता है और उसके कारण उस विंड का डायरेक्ट इफेक्ट जाता है हमारे सॉइल पे, है ना, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. नॉन साइंटिफिक मैथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, नॉन साइंटिफिक मैथड ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है हमारे जो एग्रीकल्चर की प्रोसेस होती है उसमें साइंटिफिक मैथड्स को, टेक्निक्स को यूज़ ही नहीं किया जाता, प्रॉपर इरिगेशन प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया जाता, जिसके कारण सॉइल इरोजन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना. अब सॉइल इरोजन का ये तो हो गए रीजंस, ये तो हो गए कॉजेस कि किसके कारण सॉइल इरोजन होता है, पर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, कि उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, सॉइल इरोजन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू द लॉस ऑफ वेजिटेशन. क्योंकि सॉइल इरोजन हो रहा है, वैसे तो वेजिटेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसीलिए ही सॉइल इरोजन हुआ, बट जितना भी वेजिटेशन थोड़ा बहुत बचा कुचा वेजिटेशन था, वनस्पतियाँ थी, वो भी खराब हो गई, वो भी लॉस हो गया हमारा
जिसके कारण से ज़्यादा टाइम तक ड्राई सीजन रहेगा और प्रॉपर जो सॉइल है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी, है ना। तो वही वो भी एक रीज़न हो सकता है, ये भी एक इफ़ेक्ट है हमारे लैंड पे और हमारे एग्रीकल्चर पे हार्मफुल। ओके, एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्सेज ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अब क्या होता है ना, सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है, जो हमारे रिवर्स होती है, नदियाँ होती हैं, वहाँ पे नीचे कुछ बालू जमा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये होता है कि हमारा वाटर ख़राब होता है, और वाटर के ख़राब होने से इरिगेशन की प्रॉब्लम्स अराइज होती है। बिकॉज अगर वाटर ही नहीं है तो हम इरिगेशन की प्रोसेस को करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये भी एक इफ़ेक्ट है। थर्ड वन इज़ द डाइवर्शन ऑफ स्ट्रीम एंड ऑब्स्ट्रक्ट टू शिप पोर्ट बिकॉज ऑफ स्लिटिंग ऑफ लैंड एट द रिवर बॉटम। अब जब रिवर्स के बॉटम में सैंड का इकट्ठा होना, ठीक है, बालू इकट्ठा होना, और वो बालू पानी में घूमती रहेगी, फ्लो होती रहेगी ज़्यादा तेज वाटर के फ्लो के कारण, जिसके कारण हमारी वाटर ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स वगैरह प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाते, शिप्स वगैरह फ्लो नहीं कर पाते वाटर पे, जिसके कारण हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी वीक हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, डिटेरियोरेशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, है ना। अब हमारी जो लैंड है, हाई क्वालिटी की लैंड है, बिकॉज ऑफ सॉइल इरोशन वो भी खत्म हो रही है, वो भी नष्ट हो रही है, जिसके कारण हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए हाई क्वालिटी ऑफ लैंड बच नहीं रही है, है ना। तो उसका फिर डायरेक्ट इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे भी हो रहा है, रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड। और फिर यहाँ पे साफ साफ आ गया कि इसके कारण हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका कमी होती जा रही है। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, कमी। तो इसके कारण हमारी एग्रीकल्चर लैंड की कमी होती जा रही है। ठीक है, तो ये रीजंस थे सॉइल इरोजन के, और ये हार्मफुल इफेक्ट्स थे सॉइल इरोजन के कारण हमारे लाइफ में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, और हमारे एग्रीकल्चर की प्रोसेस में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल कंजर्वेशन आता है। ठीक है, अब सॉइल का कंजर्वेशन, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि सॉइल एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, राइट। रेन्यूएबल रिसोर्स मतलब कि जो रीजनरेट हो सकती है, रिसाइकल हो सकती है। बट उसके बाद भी सॉइल का कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, जस्ट बिकॉज सॉइल रेन्यूएबल रिसोर्स के साथ साथ उसकी जो प्रोसेस है रीजनरेट होने की, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, है ना। तो उस स्लो प्रोसेस के कारण वापस से सॉइल को रीजनरेट होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए सॉइल हमारे को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देयरफॉर टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन सॉइल कंजर्वेशन इज नेसेसरी। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है हमें